वगैरह का सैलेट सभी व्यूअर्स सभी सब्सक्राइबर्स को और जो पहली बार इस वीडियो के थ्रू मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं दोस्तों, ये जो वीडियो है ना, ये जो कुछ हेटर्स हैं या कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं उनके सवालों के आंसर करने के लिए मैं बना रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले मेरा फर्ज बनता है कि जो मेरे हेटर्स हैं उनको मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के एक बार बोल दूँ कि भाड़ में जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि मैं वीडियो क्या बना रहा हूँ, आप उसके ऊपर कमेंट क्या लिख रहे हो। मेरी जो व्यूअर्स हैं, मेरी जो ऑडियंस है, वो मुझे समझती है कि मैं किस तरह का आदमी हूँ, मैं किस तरीके के काम कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जिनकी गलती है, जो भी कुछ होता होगा, तो उनको अवॉइड करता हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद जो है मेरा सिर्फ इतना सा है कि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। जैसे मेरा सब्सक्राइबर काउंट ऑलमोस्ट 2.5 लाख के ऊपर है, लेकिन व्यूज़ जो है अभी बहुत कम हो गए। तो जितना मैंने समझा है अपने आप को, वो ये है कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे रोज वाले वीडियोज़ की वजह से नहीं है, वो जो स्पेसिफिक कुछ 5-7 वीडियो मेरे वायरल हैं जिनको पब्लिक बहुत पसंद करती है, इंटरनेशनल लेवल पे उनको देखा जा रहा है जहाँ जहाँ हिंदी भाषी लोग रहते हैं, तो उसकी वजह से मेरे को सब्सक्राइबर तो मिलते चले जाते हैं। लेकिन रही बात रेगुलर व्यूअरशिप की, वो शायद इसलिए कि 2019 में मैंने ज़्यादा पोस्टिंग नहीं की है, तो एक ये रीज़न हो सकता है। मैं रोड पे खड़ा हूँ, फकीर आती रोड पे अच्छा लगता है। तो जो मेरे को जो रेशियो का गड़बड़ नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है, दूसरा कि मैं जो पोस्टिंग नहीं कर रहा हूँ उसकी वजह से शायद मुझे पॉपअप्स ज़्यादा नहीं मिल रहे। तो मैं कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियोस डालने की, और जितना भी मेरा जो जिनकी उम्मीद होती है कि फ़कीरा वीडियो डाले, उनकी उम्मीदें उनकी हिसाब का कंटेंट बना के वीडियोस पोस्ट करने की, तो मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाऊँ, अच्छे से अच्छे वीडियोस आपको पोस्ट करूँ और दिखाऊँ। अब दूसरा जो एक पॉइंट इसमें आता है ना, काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि मैंने अपने आप को बेचना शुरू कर दिया है, मेरे राइट्स को बेचना शुरू कर दिया है, कुछ तो बोलते हैं मैंने हिंदुस्तान को बेचना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों मैं साफ साफ बता देता हूँ कि मैं उन्हीं जगहों पर लोगों को लेके जाता हूँ जहाँ मैं खुद जाके आता हूँ, और जो ज़िंदगी में मेरे को कुछ बहुत जगह बहुत अच्छी लगी है मैं सिर्फ और सिर्फ वहीं के बैच बनाता हूँ। मेरे कोई दूसरे कमर्शियल बैचेस किसी भी तरीके के नहीं हैं। तो जितने भी लोग अगर मेरे साथ आना चाहते हैं, दूसरा मेरे जितने भी राइट्स हैं, अगर कोई भी आदमी मुझे बता दे कि मैंने इसको कहीं और एडवर्टाइजमेंट किया हुआ है, दोस्तों मेरा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे जो एकदम होता ना स्ट्रांग जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, अपना भाई समझते हैं, दोस्त समझते हैं, ये सिर्फ उनको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि इस राइट को मैं निकाल रहा हूँ। और फिर भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों वो मेरे हाथ में नहीं है। तो जैसा मैंने बोला यार, हिटर्स के लिए उनके लिए वही बात ठीक है। ड्रग्स की वजह से थोड़ा वॉइस रहेगा पीछे, थोड़ा देखेंगे मैनेज करेंगे। हाँ दोस्तों, हमारे ओशो ने बोला है अगर जैसे लोग आप कुछ नहीं करोगे तब भी लोगों को कुछ ना कुछ तो बोलना है, तो दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो मैं और मेरे व्यूअर्स जो इस चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं, इस चैनल के जो व्यूअर हैं, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस रोग से दूर रहते हैं। हमें दूर रहना चाहिए, हमें वो करना है जो हमें करना है या जिसके लिए हम बने हैं या जिसकी वजह से हम लोगों की ज़िंदगी के अंदर कुछ भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं, फ़र्क ये पड़ता है कि हमारी हम अपनी ज़िंदगी के अंदर हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं तो बस वही हमारी ज़िंदगी की कामयाबी है, और वही हमारी ज़िंदगी में जो होता है ना सेटिस्फेक्शन वाली नींद, सुकून की नींद जिससे आती है, वो इसी से आती है, और उसमें मैं बहुत बहुत खुश हूँ। जब लोग अपना कंफर्टेबल जोन छोड़ के मेरे साथ राइड पे आते हैं, और जो उनको ये भी पता होता है कि फ़कीरा खुद कितना ट्रैवल करता है, जैसे अगर ये मेरी बाइक जो है बनो, इन सब चीज़ों के मैं नाम भी रखता हूँ, इनसे थोड़ा मेरा पर्सनल फीलिंग भी होता है, तो इससे मैंने पूरा हिंदुस्तान घुमाया, ऑलमोस्ट पूरा हिंदुस्तान। तो वैसे ही कोई इंसान या कोई राइडर मेरे वीडियोस देख के अंदर से इंस्पायर होता है और मेरे साथ जाना चाहता है राइड के ऊपर, तो सबसे बड़ी बात वही होती है कि वो सोचता कुछ अलग है। जब हम काम करते हैं, जब हम मेहनत करते हैं, जब हम राइड करते हैं, तो बहुत कुछ अलग चीज़ें होती हैं। विश्वास कीजिए दोस्तों, मैंने लोगों के चेहरे बदलते हुए देखे हैं जब वो राइड पर आते हैं, और जब राइड पूरी हो जाती है उसके बाद में उनके चेहरे पर एक सुकून होता है, और जो चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में हासिल की हैं, वैसा मुझे लगता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ में ये बात शेयर कर पा रहा हूँ, और उनको जो राइड कराता हूँ उससे उन्हें मज़ा आता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको भी राइड्स करने चाहिए, दोस्तों मैं तो आपको बोलता हूँ कि ज़िंदगी के अंदर कोई भी किताब, कोई भी सोसाइटी, कोई भी समाज हमें उतना नहीं सिखाता जितना हमें कुदरत सिखाती है। तो अगर ज़िंदगी में आपको जरा सा भी डिप्रेशन लगता है, या अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो और आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है, तो दोस्तों मैं तो सिर्फ इतना सा बोलूँगा, अगर आप मॉर्निंग वॉक करोगे ना तो भी चल जाएगा, और जितना आप घर से दूर जाते जाएंगे, जितना आप दूर दूर के ट्रैवल्स करेंगे, उतना आपका दिमाग जो है बहुत लाइट हो जाएगा, बहुत खुशहाली, बहुत संतुष्टि आपकी ज़िंदगी में आप महसूस करने लगे होंगे। इसके पीछे अगर एक साइंटिफिक बात बताऊँ तो आपको मैं बताता हूँ, मंदिर हमारे सबके आसपास होते हैं, मस्जिद सबके घर के आसपास होते हैं, लेकिन फिर भी हमें दूर वाले मंदिर बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब हमारे घर से जितनी दूरी होगी उतना हम उन जगहों पे हम जाना पसंद करते हैं।
रीज़न दोस्तों सिर्फ इतना सा होता है कि जितने टाइम हम वो ट्रैवल करते हैं उतना टाइम हमारा दिमाग सारी चीज़ों को छोड़ के किसी एक ऐसी चीज़ की पावर में लगा रहता है जहाँ पे हमें कहीं ना कहीं दिल का कनेक्शन होता है, वो है शांति। और हर इंसान को चाहिए सुकून और शांति। जो सुकून और शांति के लिए ही मैंने ट्रैवल स्टार्ट किया था और मुझे अपने चैनल पे और अपने राइड्स में बहुत मज़ा आता है। और मुझे पता है कि 100 में से अगर इक्का दुक्का नेगेटिव कमेंट आता है तो ठीक है, लेकिन मेरे को समझने वाले लोग बहुत हो गए हैं और ये मेरी जीवन की अभी तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और हमेशा रहूँगा। एक बात और है मुझे जो समझ में आ रहा है बात है व्यूअरशिप की, तो जितने भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं शायद बेल बटन नहीं दबाते हैं, तो आप देखिएगा, आप नोटिफिकेशन आप देखिएगा, मुझे बताइए आपको आते हैं कि नहीं आते हैं। तो नोटिफिकेशन आने के लिए बेल बटन दबा दीजिए और जिससे व्यूज़ भी आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट या मेरी चीज़ें अच्छी लगती हैं, मेरे प्रयास अच्छे लगते हैं और जो वीडियोज़ आपको मेरे अच्छे लगते हैं वो अपने शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप के अंदर, अपने सर्कल के अंदर, तो ये हमारी कम्युनिटी के लिए, फकीरा कम्युनिटी के लिए शायद मुझे लगता है अच्छा रहेगा। तो जैसे भी आपको लगता है ठीक, जो भी आपको अच्छा लगता है वो कीजिए और खुश रहिए, हैप्पी रहिए। कीप राइडिंग विद लाइफ, बी सिंपल बी नेचुरल।